तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि रॉयल इनफील्ड अपनी एक न्यू बाइक को लॉन्च करने वाली है, तो इसी महीने 6 तारीख को रॉयल इनफील्ड ने अपनी एक न्यू बाइक लॉन्च की है और उस बाइक का नाम है रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350। तो अगर आप लोग रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। और वहीं इस वीडियो में हम लोग इस बाइक के सभी चीज़ों पर बात करेंगे, साथ ही मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा इस बाइक के बारे में शायद आप लोगों ने अभी तक से नहीं सुना होगा। तो इसलिए अगर इस बाइक की कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करने पाओ। तो भाई और उनकी बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रॉयल इनफील्ड ने अपनी थंडरबर्ड बाइक को बंद कर दिया है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो बंद नहीं किया, उसी की जगह पे मीटियोर 350 को लॉन्च कर दिया है। तो रॉयल इनफील्ड ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का मैंने रीज़न आप लोगों को ऑलरेडी बताया रखा हुआ है कि जो थंडरबर्ड नेम था ये किसी और कंपनी के पास पेटेंट में था, इसी की वजह से रॉयल इनफील्ड अपनी थंडरबर्ड बाइक को वर्ल्ड वाइड पे नहीं सेल करने पा रही थी। तो रॉयल इनफील्ड को ये नाम चेंज करना था, इसलिए रॉयल इनफील्ड ने सोचा कि जब नाम ही चेंज करें तो पूरी की पूरी बाइक ही को अब चेंज कर देते हैं और एक नया नाम से लॉन्च कर देते हैं। तो इसीलिए 6 नवंबर 2020 को रॉयल इनफील्ड ने अपनी मीटियोर 350 को लॉन्च कर दिया। और वहीं यहाँ पे आप बहुत लोग पूछेंगे कि कौन सी वो कंपनी है जिसने कि ऐसा पेटेंट करवा रखा, ऑलरेडी वो कंपनी के पास इसकी पेटेंट है। तो दोस्तों ब्रिटिश बाइक मैन्युफैक्चरर ट्रायम के पास थंडरबर्ड नेम का जो पेटेंट है वो ऑलरेडी रजिस्टर है। ट्रायम के फ्लीट में आपको थंडरबर्ड नेम से बाइक देखने को मिल जाती है और उस बाइक का नाम है ट्रायम थंडरबर्ड स्टॉर्म और ट्रायम थंडरबर्ड LT। तो फिलहाल के लिए वो जो दोनों बाइक्स हैं इंडिया में डिसकंटिन्यू है, लेकिन ट्रायम ने ऐसा पक्का नहीं किया है कि वो लोग वो सब बाइक्स को कभी रिलॉन्च नहीं करेंगे, इसीलिए ये सब पेटेंट वेटेंट के झमेले में भरने से बढ़िया रॉयल इनफील्ड ने सोचा कि एक न्यू बाइक को एक न्यू नेम के साथ लॉन्च कर दिया जाए। हाँ, लेकिन न्यू बाइक से मेरा मतलब ये नहीं कि रॉयल इनफील्ड की एकदम फ्रेश न्यू बाइक है, ये ऐसी बाइक आपको अभी तक से देखने को मिली नहीं है रॉयल इनफील्ड के फ्लीट से, इसमें भी अभी भी DNA है रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड की। तो पहले हम लोग इस बाइक के प्राइस और इंजन स्पेसिफिकेशन ये सब चीज़ पे बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे वो सब 5 चीज़ों के बारे में जो शायद आपको इस बाइक की नहीं पता होगी। तो प्राइस और इंजन स्पेसिफिकेशंस पर बात करने से पहले मैं आपको इसके कलर ऑप्शंस बता देता हूँ कि इस बाइक के साथ आपको कौन कौन सी कलर ऑप्शंस देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रॉयल इनफील्ड की फ्लीट में जो बाइक्स आती है उनमें कलर्स में कोई भी कमी नहीं होती है, तो ये भी बाइक के साथ कोई डिफरेंट केस नहीं, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी कलर्स देखने को मिल रही है। तो इस बाइक में आपको फायरबॉल येलो कलर मिलेगा, फायरबॉल रेड कलर मिलेगा, ब्लू मेटालिक कलर मिलेगा, मैट ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, रेड मेटालिक कलर देखने को मिलेगा, ब्राउन कलर देखने को मिलेगा और ब्लू डुअल टोन कलर देखने को मिलेगा। तो टोटल इस बाइक के साथ आपको 7 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके प्राइस और इसके मॉडल्स के बारे में। तो ये बाइक में आपको 3 मॉडल्स देखने को मिलेगी, तीनों में आपको पावर सिमुलेटर देखने को मिलेगा, फीचर्स यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे इसके हर एक मॉडल में। तो इसका जो बेस मॉडल है उस मॉडल का नाम है फायरबॉल, और अगर आप फायरबॉल लेते हो तो उसके लिए ऑनरोड न्यू दिल्ली में आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 2,02,000 रुपीज। फिर जो इसका सेकंड मॉडल है उस मॉडल का नाम है स्टेलर, तो अगर आप स्टेलर मॉडल को लेते हो तो उसके लिए आपको 2,08,000 रुपीज प्राइस पे करनी पड़ती है। और अगर आप इसके टॉप मॉडल के लेते हो जिसका नाम है सुपर नोवा, तो उसके लिए आपको ऑनरोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 2,18,000 रुपीज। तो ये 3 मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के साथ। तो इस बाइक का जो इंजन है वो आपको वैसे ही देखने को लगेगा, इसके पावर और टॉर्क फिगर्स आपको वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि थंडरबर्ड 350 में आता था, लेकिन ये जो इंजन है एकदम ब्रांड न्यू इंजन है, इसको पूरी तरीके से न्यूली डेवलप किया गया है। इसमें आपको पावर लगभग उतना ही मिलेगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा पावर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 20.2 BHP का आपको पावर मिलेगा, 27 Nm का टॉर्क मिलेगा। इसके 349 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से, और वहीं ये जो बाइक है इसमें 5-स्पीड गियर बॉक्स मिलेगी, और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये है 15 लीटर्स की। और BS6 नॉर्म जब से लागू है तब से आप लोग जानते हैं कि हर एक बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिल ही जाता है, तो ये भी बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो इसकी माइलेज कितनी, इसमें आपको सिटी में कितना माइलेज मिलेगा, हाईवे में कितना माइलेज मिलेगा, इस चीज़ को हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर इसके ब्रेक्स और टायर्स के बारे में बात की जाए तो इस बाइक में आपको जो फ्रंट में डिस्क मिल रहा है वो 300 mm की, और रियर में जो डिस्क मिल रहा है वो 270 mm की है। तो अगर देखा जाए तो पीछे वाली जो डिस्क की साइज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बड़ी देखने को मिल रही है, कोई कोई 160-150 cc की बाइक में आपको 270 mm डिस्क देखने को मिलती है। फ्रंट में जो आपको टायर मिलेगा वो 100/90 सेक्शन के 19 इंच के मिलेंगे, और वहीं रियर में जो आपको टायर मिलेगा वो 140/70 सेक्शन के 17 इंच के मिलेंगे। ये दोनों ही टायर ट्यूबलेस रहेंगे, साथ ही में इसमें आपको एलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाएंगे। और वहीं ये जो बाइक है इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा, और इसकी जो सीट है ये है 765 mm। तो दोस्तों इसके इंजन और स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने आपसे डिटेल शेयर कर दिया, हम लोग बात करते हैं वो सब 5 चीजों के बारे में जो शायद आपको इस बाइक के बारे में अभी तक से नहीं पता चली होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 के डिजाइन, स्टाइलिंग और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के बारे में। तो शायद आप लोग में से बहुत लोगों को नहीं पता हो कि मीटियोर 350 को आप लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हो, इसमें काफी सारी आपको एसेसरीज की ऑप्शंस देखने को मिल जा रही है, और वहीं इसकी जो स्टाइलिंग है ये भी बिल्कुल डिफरेंट है इसकी पुरानी वाली मॉडल से। पुरानी वाली मॉडल से मेरा मतलब यह है कि थंडरबर्ड से। तो भले ये जो बाइक है ये दूर से आपको थंडरबर्ड जैसी लगे, लेकिन जब आप पास आके इसकी क्लोज लुक लेते हो तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जो बाइक है इसमें कुछ रॉयल इनफील्ड ने अलग किया है।
जैसे पुरानी वाली जो थंडरबर्ड 350 थी उसमें आपको सिंगल पीस सीट देखने को मिलता था, लेकिन ये जो मीडियो 350 है ये इसमें आपको स्प्लिट सीट्स देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अगर आप इसके हेडलैम्प की तरफ देखते हो तो पुरानी वाली थंडरबर्ड में आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता था, लेकिन अब प्रोजेक्टर सेटअप को यहाँ से हटा दिया गया है, आपको LED सराउंड्स देखने को मिल जाएंगे इसकी हेडलाइट में। वहीं अगर आप इसके रियर लुक के बारे में बात की जाए तो इसके पीछे से भी कंपनी ने डिजाइन चेंज की है। इसकी जो ब्रेक लाइट है उसका डिजाइन को यहाँ पे कंपनी ने चेंज कर दिया, और वहीं यहाँ पे आपको मडगार्ड अब ज्यादा बड़ा साइज का देखने को मिल रहा है। पहले जो इसमें आपको स्विच गियर्स देखने को मिलते थे वो वैसे ही कन्वेंशनल स्विच गियर्स देखने को मिलते थे जैसे कि इंडिया की हर टाइप्स की बाइक्स में आती है, लेकिन अब आपको इसमें रोटरी स्विच गियर्स देखने को मिलेंगे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और वहीं इस बाइक में आपको जो रियर व्यू मिरर है वो आपको क्रोम्स के देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इसके एसेसरीज ऑप्शंस के बारे में कि कौन कौन सी एसेसरीज आप इस बाइक में डलवा सकते हो। तो रॉयल एनफील्ड यहाँ पे काफ़ी सारी एसेसरीज ऑप्शंस दे रही है इस बाइक के साथ, जैसे कि यहाँ पे आपको 8 डिफरेंट रोड लीगल एग्जॉस्ट देखने को मिल रहे हैं, फिर यहाँ पे आपको 8 अलग अलग तरह के इंजन गार्ड डिजाइन देखने को मिल रहा है, 6 टाइप्स के आप लोग सीट्स लगवा सकते हैं, मल्टीपल सीट्स कवर्स के भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, 2 तरह की विंडस्क्रीन आप इस बाइक में इंस्टॉल करवा सकते हो, और जैसा कि मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस तो ऑलरेडी इस बाइक में आपके लिए दिए जा रहे हैं। तो रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे ये भी कहना है कि जैसे ही आप लोग डीलर्स के पास इस बाइक की बुकिंग करवाते हो, जो जो एक्सेसरीज की उन लोगों से डिमांड करते हो, तो अगर आप लोग बाइक बुकिंग करवा लेते हो तो इन अंडर 48 आवर्स जो है आपकी जो बाइक है वो फैक्ट्री में लाइनअप कर दी जाएगी। तो ये पहली चीज़ थी जहाँ पे मैंने आपको बताया रॉयल एनफील्ड मीडियो 350 की डिज़ाइन स्टाइलिंग और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के बारे में। अब दूसरी चीज़ जो है वो है रॉयल एनफील्ड मीडियो 350 के चेसी और हार्डवेयर के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है मीडियो 350 के चेसी और हार्डवेयर के साथ। तो वह समय से जो थंडरबर्ड थी उसमें आपको सिंगल क्रेडल फ्रेम देखने को मिल रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पे मीडियो 350 के साथ डबल डाउन ट्यूब फ्रेम देखने को मिलेगा। तो सिंगल क्रेडल फ्रेम काफी समय पुरानी हो गई थी, इसलिए रॉयल एनफील्ड ने भी सोचा कि अब ये जो फ्रेम है इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। वहीं इसकी जो सीट हाइट है ये भी 10 mm अब कम हो गई, अब इसकी जो सीट हाइट है वो 765 mm है, पहले वाली जो थंडरबर्ड थी उसकी सीट हाइट 775 mm थी। और वहीं यहाँ पे अगर करवेट की बात की जाए तो मीडियो 350 की जो करवेट है ये 6 kg कम यानी 6 किलो ये हल्की है थंडरबर्ड से। थंडरबर्ड की जो करवेट थी वो लगभग 197 kg के आसपास थी, इसकी जो करवेट है ये 191 kg है। और वहीं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोनों हाथ में आपको कभी लड्डू नहीं मिल सकता, कोई चीज़ अगर पॉजिटिव होती है तो उसके साथ कुछ नेगेटिव भी होती है, तो इस बाइक की जो रियर व्हील है उसकी जो साइज़ है वो 17 इंच कर दी गई है, पहले वाली जो थंडरबर्ड आती थी उसमें 18 इंच की आपको व्हील्स देखने को मिलते थे, तो 1 inch की यहाँ पे आपको ड्रॉप देखने को मिल रही है। लेकिन वही 1 inch का यहाँ पे आपको व्हील साइज ड्रॉप देखने के बावजूद यहाँ पे आपको जो डिस्क साइज है वो बड़ी देखने को मिल रही है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि इसमें जो डिस्क है वो 300 mm की और रियर में जो है वो 270 mm की है। तो थंडरबर्ड के मुकाबले यहाँ पे आपको बड़ी डिस्क देखने को मिल रही है फ्रंट और रियर दोनों में ही। अब तीसरी चीज हम लोग बात करते हैं रॉयल एनफील्ड मीडियो 350 के इंजन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो इंजन है ये एक नया इंजन है, ऑल्दो आपको इसमें जो पॉट और फिगर्स है वो आइडेंटिकल देखने को मिल जा रहा है, लेकिन ये जो इंजन इसको पूरी तरीके से कंपनी ने नया डेवलप किया है। पहले वाले जो थंडरबर्ड 350 आती थी उसमें आपको पुश रॉड वेल्व सिस्टम देखने को मिलता था, लेकिन अब ये जो मीडियो 350 आई है इसमें आपको SOHC इंजन देखने को मिल रहा है। अब SOHC और DOHC इंजन क्या होता है इस पे मैंने आज से 1.5 साल पहले वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया था कि SOHC और DOHC इंजन का मतलब क्या होता है। तो हो सकेगा तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में याद दे दूंगा, या फिर आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं SOHC वर्सेस DOHC ऋषभ आर्या के नाम से, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं कंपनी ने इसकी जो बोर है उसको 2 mm से बढ़ा दिया और इसकी जो स्ट्रोक है उसको 4.2 mm से डिक्रीज कर दिया है। तो अगर आप लोग बोर और स्ट्रोक का मतलब भी नहीं जानते हो, अगर आप लोग अंडर स्क्वायर ओवर स्क्वायर इंजन का भी मतलब नहीं जानते हो, तो इस पर भी मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहे तो देख सकते हो, मेरे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी ऑटोमोबाइल ज्ञान से, तो वहाँ पे आपको ये सब सभी टाइप्स की वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। तो वो सब वीडियोज़ को आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको ये सब चीज़ जाननी है कि ये सब चीज़ एक्चुअली में होती क्या है, कैसे काम करती है। और ये जो मीडियो 350 का नया इंजन इसमें अभी भी आपको 5-speed गियरबॉक्स ही देखने को मिल रहा है, कोई 6-speed गियरबॉक्स यहाँ पे नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन इस नए इंजन की वजह से ये जो बाइक की मिड रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, और वहीं ये 100 kmph के मार्क को अब जल्दी रीच करने पा रही है थंडरबर्ड के मुकाबले। एंड अब हम लोग बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो लोग मेरे से सबसे ज़्यादा पूछते हैं कोई भी बाइक के लिए कि ये बाइक देती कितना होगी। तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड मीडियो 350 जो ये आपको 33 से 37 kmph की माइलेज देगी सिटी में डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग स्टाइल, और वहीं ये बाइक जो है हाईवे में आपको 37 से 40 kmph तक की माइलेज देगी। जहां तक मैंने रिपोर्ट्स देखी ये जो बाइक है सिटी में अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो 34.5 kmph तक की माइलेज दे रही है। तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो माइलेज ये ज़्यादा आपकी राइडिंग कंडीशंस पे मैटर करती है कि आप लोग अपनी बाइक को कैसे चलाते हो, कौन सी एरिया में चलाते हो, लेकिन बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि इसी फिगर्स के अंदर आपको इस बाइक से माइलेज देखने को मिलेगी। अब दोस्तों चौथी चीज़ है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड मीडियो 350 के
फीचर्स और वेरिएंट्स के बारे में। ऑल्दो मैंने आपको वेरिएंट्स के बारे में तो पहले ही बता दिया, इसलिए वेरिएंट्स पे हम लोग फिर से बात नहीं करेंगे। वेरिएंट्स के मैंने आपको एक एक प्राइस भी बता दी है, कौन सी वेरिएंट्स की कितनी प्राइस है। तो वेरिएंट्स वो चीज़ अब नहीं रहेगी जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होगी। तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर्स अपनी न्यू बाइक या स्कूटर्स लॉन्च कर रही है तो उसमें एक कॉमन फीचर दे रही है और उस फीचर का नाम है ब्लूटूथ। तो लगता है ब्लूटूथ जो वर्ड है वो कुछ ज़्यादा ही सडन मेरे मुंह से निकल गया। सो एनीवेज, ब्लूटूथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स अपने बाइक्स और स्कूटर्स में दे रही है, तो अब आपको रॉयल एनफील्ड की भी अब इस मीटियोर 350 में ब्लूटूथ इनेबल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो जी हाँ, रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 में जो ब्लूटूथ सिस्टम दिया गया है इसके मदद से सिर्फ आपको नेविगेशन मिलेगा, और नेविगेशन यूज़ करने के लिए आपको रॉयल एनफील्ड की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उस ऐप से आप लोग डायरेक्टली पेयर हो जाएंगे इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ। तो अब अगर हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के कंप्लीट ओवरव्यू लुक ले तो यहाँ पे आपको दो डायल्स देखने को मिलेगी, एक जो आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाएगी और दूसरी आपको डिजिटल डायल देखने को मिलेगी जिसमें कि आपका इसका ब्लूटूथ एनेबल सिस्टम काम करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों हाथ में कभी लड्डू नहीं मिलेगी, तो इस बाइक के जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल से अब आपको आरपीएम मीटर जो है वो हटा दिया गया है। इस बाइक में आपको कोई आरपीएम मीटर नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, ट्विन ट्रिप मीटर्स मिल जाएंगे और वहीं ये सब बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे जो कि हर एक नॉर्मल बाइक्स में आती है। साथ ही में अगर आपको इसका ब्लूटूथ सिस्टम को नहीं यूज़ करना है तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो इसकी डिजिटल डायल है सिर्फ आपको टाइम ही दिखाएगी। अब बात करते हैं पांचवी चीज़ के बारे में जो कि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 की कंपटीशन और प्राइस के बारे में। तो प्राइस वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है कि इस बाइक की जो तीनों मॉडल्स हैं उनकी ऑनरोड प्राइस कितनी है, और वहीं अगर अब इसकी कंपटीशन की बात की जाए तो ये बाइक जो है डायरेक्ट कॉम्पीट करेगी जावा स्टैंडर्ड से, और वहीं ये बाइक कॉम्पीट करेगी बेनेली इंपेराले 400 से। वैसे बेनेली इंपेराले 400 सब 500 सीसी के रेट्रो सेगमेंट की बाइक हो गई, और वहीं उसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है वो 1.99 लाख रुपीज़ है। तो वैसे इंपेराले 400 थोड़ी से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी इस बाइक से, और वहीं होंडा हाइनेस CB350 से ये जो बाइक है वो 10,000 रुपीज़ चीपर है अगर आप इसको एक्सशोरूम में कंपेयर करते हो तो। तो वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग इस बाइक को लेना पसंद करोगे या फिर इसकी कंपटीशन वाली बाइक्स को लेना पसंद करोगे। और साथ ही में आप लोग ये भी चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये जो रॉयल एनफील्ड की न्यू बाइक है क्या ये मार्केट में हिट हो जाए, क्या ये बाइक मार्केट में फ्लॉप हो जाए, या फिर ये बहुत ज़्यादा हिट होगी। तो अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे मैंने आपको रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के बारे में सभी चीज़ बता दी कि इसकी प्राइस कितनी है, इसमें आपको कैसा इंजन देखने को मिल रहा है, क्या पावर क्या टॉर्क देखने को मिल रहा है, वो सब बातें भी बता दी जो शायद आप इस बाइक के बारे में नहीं जानते होंगे। तो अब जाके आपको जानने को मिली है। तो अगर कोई वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वहीं आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।